वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 11.2 को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी कब, जब दो लाइन है, पहली लाइन है दूसरी है, आर राइट एंगल। मतलब राइट एंगल का मतलब पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ उनके एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मतलब समझने के हिसाब से एक लाइन ये ले लो, दूसरी इस तरीके से, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये सारे अपने आप 90 हो जाएंगे प्रॉपर्टी से। मतलब दो लाइनों बीच में अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, अगर ये 90 तो ये भी 90 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक लाइन पर टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो ऊपर भी 180 नीचे भी 180, सही बात है। तो मतलब ये 90 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको 90 का हो या फिर 180 माइनस 90 लिख दो, वो चॉइस है। तो इस तरीके से 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस दो लाइन दी हुई, मतलब यहां पर भी तो वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट। और याद हो हमें दो लाइनों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब था उनके डायरेक्शन रेशो से, जहां से भी मिले, सही बात है। तो मतलब कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है पहले की दूसरे की, तो डायरेक्शन रेशो, सही बात। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है x माइनस x1, ठीक है ना, जनरल रिजल्ट y माइनस y1, इस तरीके से z माइनस z1 बाई c। तो मतलब नीचे डायरेक्शन रेशो होते हैं, तो पहली लाइन के ये डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, काम की बात है। नीचे क्या डायरेक्शन रेशो ये होंगे, क्या कहा था, जब भी कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है उसमें याद रखनी सिर्फ एक बात, सबसे पहले कि कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड, सही बात है ना, तीनों के कोफिशियंट प्लस वन होने चाहिए, जैसे यहां पर होते। अब इनमें तो नहीं है, ठीक है ना, तो चेंज करो, जिसमें भी नहीं, यहां पर वन है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सही है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से, तो यहां पर सबसे पहले वन माइनस एक्स बाई थ्री है, ठीक है ना, मतलब माइनस वन है यहां पर कोफिशियंट, प्लस वन होना चाहिए। तो क्या करो, वो चॉइस है किस तरीके से समझना चाहते हो। एक तो तरीका यही सही है कि मतलब ऊपर नीचे उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे माइनस वन है ना, उसी से नंबर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे माइनस वन से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली लिख दे रिजल्ट, जैसे ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वन। या फिर कहो, दो तरीके होते इस चीज को सोल्व करने, जैसे वन माइनस एक्स बाई थ्री लिखा है, इसको एक तो ये कहो कि मतलब वन माइनस ऊपर डिवाइड कर दिया माइनस वन से, नीचे भी थ्री को डिवाइड कर दिया माइनस वन से, सेम नंबर से ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तब भी बात सही है। एक तरीका ये है कि मतलब ऊपर है माइनस वन, मतलब माइनस वन कॉमन ले लो, तो ऊपर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये यहां पर माइनस साइन एक्स, यहां पर प्लस वन था तो माइनस वन बन जाएगा, नीचे थ्री था, इसके बाद इस माइनस वन को उठा के नीचे भेज दो इस तरीके से। वो कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब जैसे इस तरीके से लिखाओ ए बाई बी और सी बाई डी, क्या लिखते हो इसको, कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से ए इंटू डी और नीचे बी इंटू सी। अब कौन सी चीज अप्लाई करना चाहते हो वो चॉइस है, ठीक है ना। तो वो जैसे मैं, ये भी आसान तरीका है, ठीक है ना, वो चॉइस है कि मतलब उसी नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो x माइनस वन नीचे माइनस थ्री बन जाएगा, एक्चुअल में थ्री बाई माइनस वन था, एक्चुअल में तो थ्री बाई माइनस वन था, वो माइनस थ्री के बराबर होता, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, कि मतलब यहां पर y, इनके कोफिशियंट यहां पर सेवन है तो ऊपर नीचे सेवन से डिवाइड कर दो, तो यहां पर सेवन से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो वाई रहेगा, फिर सेवन से तो इस पर भी डिवाइड होगा ना, ठीक है ना। तो इस चीज का मतलब ये हुआ जैसे कि ऊपर नीचे मतलब दोनों से डिवाइड, अब यहां पर दो टर्म है ना, तो दोनों डिवाइड में चले जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी। या फिर कह दो सेवन कॉमन लेके नीचे भेज दिया, वो भी बात सही है, ठीक है ना। तो वाई माइनस कितना हो जाएगा, टू, जब ऊपर नीचे सेवन से डिवाइड करोगे और नीचे डिवाइड करोगे तो टू पी बाई सेवन हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहां पर ये चीज पहले गिवन है तो अच्छी बात है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये है दूसरे की, इसमें भी थोड़ी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कर लो। यहां पर कोफिशियंट माइनस सेवन, एक्स के कोफिशियंट से मतलब है, तो माइनस सेवन तो बस पुट कर दो, ठीक है ना, किस तरीके से कि माइनस सेवन हटा दो, मतलब ऊपर नीचे माइनस सेवन से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो दूसरी लाइन की यहां पर डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, इस सेवन को माइनस सेवन से डिवाइड करोगे तो माइनस वन हो जाएगा इस तरीके से, और नीचे वो जब माइनस सेवन से डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है। यहां पर वन पहले गिवन, अच्छी बात है, यहां पर माइनस वन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, नीचे भेज दो इस तरीके से, वो चॉइस है किस तरीके समझना चाहते हो। तो ये है एक्चुअल में डायरेक्शन रेशो, ठीक है ना, जो सिर्फ अब तक ये नजर आ रही थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये बात कार्टेशियन फॉर्म में, ये बस एक बात याद रख लो, ये चीज चेक करनी पड़ेगी पहले,
बस उसके बाद डायरेक्शन रेशियो। अब ये यहां पर राइट एंगल की बात चल रही है, मतलब 90 डिग्री। कई बार इस तरीके का वर्ड यूज हो सकता है परपेंडिकुलर, या फिर इस तरीके का वर्ड यूज हो सकता है ऑर्थोगोनल, उन सभी का मतलब है थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो बस इसके बाद जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, जैसे यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में तो इस तरीके का फॉर्मूला था, जैसे लास्ट पार्ट में लिखा था a1 a2 b1 b2 + c1 c2, और नीचे दो वेक्टरों की मैग्नीट्यूड, मतलब पहले लिखे डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, तो सभी का होल स्क्वेयर करो इस तरीके से, सभी को एड कर दो और उसका स्क्वेयर रूट। इसी तरीके से दूसरे के a2 b2 c2 है, सभी का होल स्क्वेयर, ठीक है ना, फिर सभी को एड करो स्क्वेयर रूट, ये फॉर्मूला था, पुट कर दो। तो यहां पर थीटा बन रहा 90, तो कोस 90 होता जीरो, कोस 90 जीरो, सही है, तो मतलब यहां पर जीरो आ जाएगा, तो मतलब यहां पर एक्चुअल में जीरो इंटू समथिंग हो जाएगा, समथिंग का मतलब ये दो मैग्नीट्यूड, और जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर वाले केस में सिर्फ ये केस बन जाता जो a1 a2 है, b1 b2 c1 c2 जीरो के बराबर, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले केस में, ठीक है ना। एक्चुअल में तो ये बात सही है, यहां पर जीरो इंटू समथिंग चली वो एक अलग बात है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, मतलब ये कंसेप्ट, ठीक है। तो बस ये चीज जीरो के बराबर है, तो मतलब गिवन है, मतलब ये चीज गिवन है कि राइट एंगल है, सही बात है, पी निकालना है, तो बस किस तरीके से डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया अपनी अपनी एक्सिस वालों की, तो -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ a1 a2, ये a1 b1 c1 है पहली के डायरेक्शन रेशो, ये a2 b2 c2 है, पुट कर दो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, -3 की मल्टीप्लाई यहां पर, तो ये जैसे ये माइनस साइन ऊपर भेज दो तो -(-) हो जाएगा, कैंसिल कह दो, वो बात सही है, तो 3 की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते कि मतलब ये लिख दो जैसे ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड, कि मतलब दोनों परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा ताकि मतलब ये पता हो कि मतलब इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी चेक कर रहा हो, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से अपने अपने एक्सिस पर मल्टीप्लाई, तो यहां पर -(-) कैंसिल करो या फिर +1 हो जाए, बात वही है, तो 3 मल्टीप्लाई यहां पर करोगे, कैलकुलेशन है 9p/7 हो जाएगा, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई 2p/7 × 1 यही रहेगा, ठीक है, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई 2 × -5 - 10, इसके बाद सभी को ऐड करना है, इसके बाद सभी को ऐड करना है यहां पर इस तरीके, यहां पर ±- रहेगा, किसके बराबर है जीरो, किस वजह से परपेंडिकुलर का केस है, इसी वजह से जीरो है, याद रखना सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है ना। तो बस पी निकालना था, तो इस -10 को उस साइड भेजोगे, ठीक है ना, मतलब यहां से हटके उस साइड प्लस का 10 हो जाएगा, 10 + 0 कैलकुलेशन है, ठीक है, फिर यहां पर 7 LCM आ जाएगा, ठीक है ना, तो जैसे डायरेक्ट लिख दें यहां पर 7 LCM इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो बस ये 7 यहां से हटके उस साइड मल्टीप्लाई में चले आ जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन है, यहां पर 9p + 2p 11p किसके बराबर हो जाएगा, 10 × 7, और p किसके बराबर, 70/11, इस तरीके से आंसर निकालना था, टोटली कैलकुलेशन, ये है काम की चीज और कुछ नहीं, ठीक है, जो चीज गिवन है उसको पुट कर दो। अब इसी तरीके सेकंड मेरिकल है कि शो करना कि वो परपेंडिकुलर है, मतलब अब की बार डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई जीरो आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर कह देना, मतलब डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले ये चीज चेक की, तो यहां पर इस तरीके से है, ठीक है ना, तो बस डायरेक्ट कह दो डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरे में यहां पर xyz के कोफिशियंट 1 ये ओरिजिन से पास आउट हो रही है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा हो सकता है, तो बस ये डायरेक्शन रेशियो है, सबसे पहले ये चीज चेक करो, तो 7 ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो इनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1, डायरेक्ट कैलकुलेशन की बात करें फिर -5 × 2 करोगे, ठीक है, और 1 × 3 सभी को ऐड कर दो, यहां पर ±- रहेगा, ये प्लस देख लो इनका सम जीरो ना रहो तो बताओ, इस तरीके से परपेंडिकुलर कह दो, 7 + 3 = 10 - 10 = 0 कैलकुलेशन, एक लाइन का आंसर अगर ये चीज कंसेप्ट सही है तो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस अब मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ना जब मतलब सही तरह सॉल्यूशन लिखो, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज लिखनी पड़ेगी कि गिवन लाइन ये है, मतलब उसके डायरेक्शन रेशो ये है, सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, किस वजह से, इस वजह से, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये भी कह दो, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए, वो चॉइस है किस तरीके से मतलब लिख रहे हो, वो चॉइस रहेगी, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। कोई भी यहां पर कंडीशन हो सकती है, जैसे यहां पर जीरो वाला केस था, तो यहां पर मैग्नीट्यूड निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ जीरो के केस में, एक्चुअल में यहां पर 0 × समथिंग हो चुका है, कई बार मान लो कि दो के बीच में एंगल 90 की जगह थी, मान लो 30 हो, ठीक है ना, फिर cos 30, फिर ये नीचे दो मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, उस केस में,
ठीक है ना। यहां पर हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में जीरो इंटू समथिंग हो चुका है। कई बार ये एंगल और भी गिवन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 90 हो, तो उस केस में मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। यहां पर नहीं निकाले वो एक अलग बात है, जीरो इंटू समथिंग हो चुका है ये चीज पता होनी चाहिए। यहां पर अप्लाई हो रही है इस मतलब 90 से अलग कोई भी एंगल हो उस केस में अप्लाई नहीं होगी, मतलब जब भी कोस थीटा रिजल्ट जीरो ना आए, ठीक है ना, उस केस की बात हो जाएगी। इस तरीके से सोल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।